नमस्कार बच्चों मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा हम बात करते आ रहे थे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जहां पर लास्ट क्लास में हमने बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ा था आज हम बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सुन के ही हमारे को समझ आ रहा है कि जो हमारी प्रेगनेंसी है हमें उसको क्या करना है टर्मिनेट करना है आई बात समझ में अब ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट किसी भी वजह से की जा सकती है या तो ये जो प्रेगनेंसी हुई है ये एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है जो कि कैजुअल सेक्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, की वजह से हो सकती है या फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का रीजन हो सकता है कोई हेल्थ रीजन हो कि ये जो प्रेगनेंसी है भाई ये मदर के लिए हार्मफुल है या फिर ये फीटस के लिए हार्मफुल है या फिर ये दोनों के लिए हार्मफुल है तो डॉक्टर्स ऐसा बोल सकते हैं या मेडिकल कंसल्टेंट्स ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही हमारे लिए अच्छा होगा तो आइए हम यहाँ पर आज बात करते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में तो हमारे पास क्या होता है जब हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में ये टर्म तो क्या है मेडिकल टर्मिनेशन लेकिन हम जब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में तो ये जो टर्मिनेशन है कई बार ये क्या होता है इनवॉलेंटरी हो जाता है मतलब अपने आप हो जाता है और कई बार इसको वॉलेंट्रली कराया जाता है विलिंगली कराया जाता है तो इन केसेस में हम इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं अपने आप होने वाला टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये जो प्रेगनेंसी है ऑलमोस्ट जितनी प्रेगनेंसीज हमारे वर्ल्ड में होती हैं उनमें से वन थर्ड ऑफ ऑल द प्रेगनेंसीज गेट अबाउटेड ऐसे प्रेगनेंसी में ये होता है कि फीमेल को पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेगनेंट हुई थी एंड हमारे जो फीटर्स है या एम्ब्रियो है उसका क्या हो जाता है डिटैचमेंट हो जाता है यूटराइन वॉल से मतलब कि क्या हो जाता है अबॉर्शन हो जाता है एंड ये अबॉर्शन फीमेल को पता भी नहीं चलता है क्योंकि वो नॉर्मल पीरियड्स के साथ में बाहर आ जाता है सो दिस इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गोज अनोटिस्ड ये पता ही नहीं चलता है लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होता है वेर फीमेल्स गेट टू नो दैट दे आर प्रेग्नेंट दे हैव कंसीव्ड अब ये जो प्रेग्नेंसी लीड हुई है ये प्रेगनेंसी बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है राइट right. अब फीमेल को प्रेग्नेंट होने के बाद ये लगता है कि मुझे ये प्रेग्नेंसी नहीं चाहिए बहुत सारे केसेस में जो फीमेल प्रेग्नेंट है उनको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती इट मींस दिस इज एन अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी कैसी प्रेगनेंसी है अनवांटेड प्रेगनेंसी है अब अनवांटेड प्रेगनेंसी को तो हम क्या कराना चाहेंगे टर्मिनेट कराना चाहेंगे बिल्कुल सीधी सी बात है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी किस वजह से हो सकती है अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन सबसे बड़ा एक जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है दैट देर वॉज अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस मतलब कोई भी हमने यहाँ पर बर्थ कंट्रोल मेजर नहीं यूज़ किया था मतलब या तो कोई भी बैरियर मेथड या फिर कोई भी ऐसा मेथड जो कि कंसेप्शन को अवॉइड करे वो यहाँ पर यूज़ नहीं करा गया था सो इट वॉज़ अ कैजुअल सेक्स क्या बोल सकते हैं हम इसको कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोस था ठीक है जिसकी वजह से क्या हो गई एक अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारे जो फीमेल है जो प्रेग्नेंट हुई है रेप विक्टिम वो क्या है उसके अ रेप विक्टिम शी हैज अंडरगोन और शी अ शीज विक्टिम एंड रेप की वजह से क्या हुई है प्रेगनेंसी हुई है सो इट इज वेरी ऑबियस दैट दिस प्रेग्नेंसी वुड नॉट बी वॉन्टेड आई बात समझ में तीसरी प्रेग्नेंसी अनवॉन्टेड इसलिए हो सकती है कि फीमेल वॉन्टेड टू बी प्रेग्नेंट बट ये जो प्रेग्नेंसी है ये जो क्या है प्रेग्नेंसी है दिस कैन हार्म आईदर द मदर या तो ये जो मदर है जो बियरर है इस फीटस की इसके लिए हार्मुल है या फिर क्या है हार्मफुल फॉर द फीटस किसके लिए हार्मफुल है फीटस के लिए हार्मफुल है? है या फिर मदर और फीटस दोनों के लिए क्या हो सकती है हार्मफुल हो सकती है और कुछ केसेस में कई बार प्रेगनेंसी मदर के लिए फेटल भी हो सकती है ऐसे केसेस में हम प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं अनवांटेड बोलते हैं क्या बोलते हैं अनवांटेड बोलते हैं एंड सच प्रेगनेंसीज हैव टू बी टर्मिनेटेड मेडिकली और ऐसी प्रेगनेंसी को क्या करना होता है टर्मिनेट करना होता है वी हैव टू वॉलेंट्रीली टर्मिनेट द प्रेगनेंसीज़ जिसको हम क्या बोल के जाते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आई इतनी बात समझ में अब क्या होता है वर्ल्ड में जितनी भी हमारी प्रेगनेंसी होती है जितनी भी एक वा, आज हमारे वर्ल्ड में प्रेगनेंसीज होती हैं टोटल प्रेगनेंसीज है, पर ईयर इन टोटल प्रेगनेंसीज़ में से इन टोटल प्रेगनेंसीज में से हमारे 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसीज क्या हो जाती हैं मेडिकली टर्मिनेट करी जाती हैं हर ईयर दिस इज द इंसिडेंस नंबर राइट सो हमने ये तो समझ लिया कि जो हमारी क्या है मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसीज़ हैं ये कैसे होती हैं और क्यों इनको टर्मिनेट किया जाता है ठीक है कैसे हुई वो तो हमारे को समझ आ गया कि क्या है अनप्रोटेक्टेड क्विटस है या फिर रेप हुआ है ठीक है एंड इनको क्यों टर्मिनेट करा जा रहा है कि हो सकता है ये मदर या फिर फीटस के लिए हार्मफुल या फेटल हो या फिर हो सकता है कि दोनों की जो लाइफ है वो रिस्क हो रही हो इसलिए इसको क्या किया जाता है टर्मिनेट किया जाता है अब इंडिया में हमारे पास में जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है दिस वाज लीगलाइज इन 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज लीगलाइज्ड, राइट स्टिल इट इज़ इलीगल इन मेनी नेशंस इट इज़ लीगलाइज्ड इन इंडिया और कब हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1971 में लीगलाइज किया था एंड अभी भी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं एंड एवरी टाइम देर इज़ अ न्यू एक्ट रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अब बात हमने ये तो कर ली कि भाई प्रेगनेंसी को हमारे को क्या करना है टर्मिनेट करना है लेकिन हमें पता है कि प्रेगनेंसी जब होती है जब इम्प्लांटेशन होता है या जब एक फीमेल एक बेबी को फीटस को कंसीव करती है तो बहुत ही एक इंटिमेट कनेक्शन बन जाता है बिटवीन दी फीटस एंड द मदर तो कौन सा ऐसा टाइम है जब ये टर्मिनेशन करना मदर के हेल्थ के लिए सही रहेगा अगर हम मेडिकली देखें तो मेडिकली ऐसा बोला जाता है दैट ट्वेल्व वीक्स का टाइम जो है दैट इज बेस्ट दैट इज द फर्स्ट ट्राइमिस्टर मिनिस्टर इज द बेस्ट टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर हम 20 वीक्स के बाद में करते हैं तो 20 वीक्स के बाद में जो हमारा रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये रिस्क क्यों बढ़ जाता है बिकॉज जैसे ही हमारा क्या स्टार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है जैसे ही हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो अगर आपको याद हो हमारे फिफ्थ मंथ में क्या बन जाता है बेबी का बॉडी पे हेयर आने लग जाते हैं मतलब कि पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है लिम्स डेवलप हो जाते हैं डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं मेजर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो जो हमारा फीटर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली क्या हो जाता है कनेक्टेड हो जाता है विद दी मेटर्नल टिश्यूज़, किससे? जो मेटर्नल टिश्यूज़ होते हैं जो मदर के जो अंदर के टिशूज़ होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है प्लासेंटा के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्टिड हो जाता है ऐसे फीटस को या ऐसी अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए तो इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है किसको मदर की लाइफ को किसको रिस्क होता है मदर की लाइफ को रिस्क होता है एंड देर आर मोर चांसेस ऑफ फटैलिटी मेटर्नल मोर्टेलिटी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए बेस्ट टाइम माना जाता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या फिर जो फर्स्ट ट्वेल्व वीक्स है उसी में ही अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो फर्स्ट ट्वेल्व वीक्स में ही करा जाना चाहिए आ रही बात समझ में अब ये परमिशन तो हमको मिल गई कि आप मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हो पर बहुत सारे लोग बाहर इस परमिशन को या इस एक्ट को मिसयूज भी कर रहे थे तो अब यहाँ बात करते हैं कि जो एम लीगलाइज हुआ है इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है आप खुद सोच के बताओ कि एम का मिसयूज कैसे हो सकता है एम कैसे पता चलेगा कि हमारे को कोई प्रेगनेंसी है वो हार्मफुल है मदर के लिए जब क्या होएगा एमनियोसेंटिसिस होएगा जब क्या होएगा एमनियोसेंटिसिस होएगा अब एमनियोसेंटिसिस के थ्रू क्या करा जा सकता है फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है ये पता लगाया जा सकता है कि क्या है जो बेबी है जो फीटस है वो फीमेल है या मेल है अगर हमारे पास ये पता लगता है कि मेल है तो तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करा जाता है लेकिन अगर पता चलता है कि फीटस का सेक्स क्या है फीमेल है तो क्या करवाया जाता है फीमेल फीटिसाइड कराया जाता है मतलब उस फीमेल को अबॉट करवाया जाता है बिकॉज़ ऐसी मेंटालिटी होती है बहुत सारे लोगों की अ मेल चाइल्ड इज बेटर देन अ फीमेल फीमेल चाइल्ड और कराया जाता है मतलब वूम के अंदर ही फीमेल फीटस को क्या कर दिया जाता है किल कर दिया जाता है एंड उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दिया जाता है ये मिसयूज़ हुआ हमारा किसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का राइट right? अब क्या हुआ एमनियोसेंटेसिस पे तो क्या लगा दिया गया था स्टैटोरेटरी बैन लगा दिया गया था लगा दिया गया था नहीं लगा दिया था तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया इलीगली सेक्स डिटर्मिनेशन कराना स्टार्ट किया इलीगल छोटे छोटे क्लिनिक्स बन गए थे जहाँ पर लोग जाके सोनोग्राफी करा के क्या करवा सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन करवा सकते हैं एंड फिर किसी क्वैक से अनक्वालिफाइड क्वैक मतलब क्या है कोई एक अनक्वालिफाइड क्वैक से क्या करवा लेते हैं मेडिकली टर्मिनेट करवा लेते हैं प्रेगनेंसी को ठीक है क्वैक कौन होते हैं जो नीम हकीम होते हैं जिनको प्रॉपर मेडिकल नॉलेज नहीं होती वो क्या कर देते हैं इलीगली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं क्या कर देते हैं इलीगली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं अब बहुत बार ये होता है कि जब इ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है तो ये काफ़ी छोटी क्लिनिक्स में जहाँ पर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं हो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन भी नहीं हो इक्विपमेंट भी नहीं हो एंड मान लीजिए अगर फीमेल को ड्यूरिंग दी प्रोसीजर अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने का भी कोई तरीका ना हो तो ऐसे केसेस में बहुत बार होता है कि जो मदर होती है उसकी डेथ भी हो जाती है

उनकी काउंसलिंग करी गई और उनकी काउंसलिंग करके उनको ये समझाया गया कि अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा बर्थ कंट्रोल मेजर यूज़ करना होगा दैट इज़ वेरी वेरी इजी आप किसी भी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हो और अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है कैजुअल सेक्स से अनप्रोटेक्टेड सेक्स से या फिर रेप से या फिर कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी है जो कि मदर और फीटस के हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है आपका जो मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का उसको लीगल भी कर दिया है तो आप मेडिकली क्या कर सकते हो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करवा सकते हो लेकिन ये सारा प्रोसीजर अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर से क्वालिफाइड हेल्थ स्पेशलिस्ट से अगर आप करवाएंगे तो आपकी जो फीमेल है वो क्या रह सकती है उसकी हेल्थ सेफ रह सकती है उसकी लाइफ सेफ रह सकती है आ रही है बात समझ में तो दिस इज द एंटायर स्टोरी अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइए देखते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी है वो क्या बोलकर जाती है तो अगर इंटेंशनल या फिर वॉलेंट्री टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का बिफोर द फुल टर्म मतलब बेबी के फुल डेवलपमेंट से पहले अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलेंगे पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड हर ईयर 45 टू 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसीज का एंड ऑलमोस्ट वन फिफ्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रेगनेंसी कंसीव्ड इन ईयर इज 45 टू 50 मिलियन MTPs, मतलब जितनी भी क्या किया जाता है अब जो मेडिकल टर्मिनेशन हो रहा है प्रेगनेंसी का उसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं जो फीटर्स है मदर की वूम के अंदर उसकी हम किलिंग कर रहे हैं राइट फॉर सम बिगर रीजन्स यस तो इसी किलिंग को लेकर बहुत सारे कंट्रीज़ में काफ़ी सारे इमोशनल एथिकल रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज ऊपर उठते हैं जिसकी वजह से आज भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डिबेट किया जाता है काफ़ी सारी कंट्रीज में एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में तो अबॉशन राइट्स भी नहीं है फीमेल के पास एंड दैट इज़ वाई एम टी पी इज़ इलीगल इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज लेकिन अगर हम यहां इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमारे पास में जो एम है दैट वॉज लीगलाइज इन 1971 लेकिन गवर्नमेंट ने एम को लीगलाइज किया था विद अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट कंडीशन विद अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाए इन्होंने इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाए ताकि कोई भी एम का मिस ना कर सके एम का मिसयूज कैसे होगा कि भाई आपने एमनियोसेंटेसिस करवा लिया फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लिया पता लगा लिया कि मेल है या फीमेल है मेल है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर दी और अगर फीमेल है तो उसका क्या करा दिया फीटिसाइड करवा दिया उसको किल करवा दिया बिकॉज पीपल प्रेफर टू हैव अ मेल चाइल्ड तो इसी चीज को चेक करने के लिए टू चेक इनडिसक्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाए गए अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि एम क्यों क्यों कराई जाए मेडिकली टर्मिनेट प्रेगनेंसी को तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाते हैं ऐसा हो सकता है कि या तो क्या हो मदर की जो लाइफ है उस पर बहुत बड़ा रिस्क आ रहा हो कि जो मदर है उसके लिए ये प्रेगनेंसी फेटल हो रखी हो या फिर क्या हो सकता है जो प्रेगनेंसी है मदर उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी इट वाज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी जो कि एक कैजुअल सेक्स की वजह से हो गई है सो सच प्रेगनेंसी कैन गिव अ लॉट ऑफ इंजरी टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ दी मदर साथ ही में देर इज सब्सटैंशियल रिस्क ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस अगर एम्योसेंटिसिस करके पता चलता है कि बेबी में कोई जेनेटिक डिसेबिलिटी है या कोई एबनॉर्मलिटी है क्रोमोजोमल एब्रेशन है जिसकी वजह से फिजिकल एंड मेंटल एब्नॉर्मलिटी है फीटस में तब भी क्या कराया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन कराया जाता है प्रेगनेंसी का अगर प्रेगनेंसी रेप के वजह से हुई है तब भी एम कराना हमारे को परमिशन दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अगर ऐसा माना गया है कि अगर आपका कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया है मान लीजिए आपका बैरियर मेथड या हार्मोनल मेथड या फिर सर्जिकल मेथड अगर फेल हो गए हैं एंड उस वजह से प्रेगनेंसी हो गई है दैट इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तब भी आप क्या करा सकते हो प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करवा सकते हैं रही है बात समझ में अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारी जो भी प्रेगनेंसीज़ है तो वो कब कब अबॉर्ट कराई जा सकती है या कब कब टर्मिनेट कराई जा सकती है जब प्रेगनेंसीज़ क्या हो अनवांटेड हो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोस की वजह से हो रहे हो या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का हमारे पास क्या हो गया हो फेलियर हो गया हो एंड वी कुड नॉट स्टॉप दी इंसेमिनेशन एंड ड्यू टू इंसेमिनेशन ओवम का और एग का क्या हो गया है फर्टिलाइजेशन हो गया है एंड एम्ब्रियो का फर्ट क्या हो गया है इम्प्लांटेशन हो गया है विच रिजल्टेड इन टू अ प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी किस वजह से हो अगर रेप की वजह से हो तब भी हम एम टी पी करा सकते हैं ठीक है यहाँ यहाँ हम एम करा सकते हैं साथ ही में जब प्रेगनेंसी क्या है अगर प्रेगनेंसी हार्मफुल है या फेटल है मदर के लिए फीटस के लिए या दोनों के लिए तब भी हम क्या करवा सकते हैं एम करवा सकते हैं राइट तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब हम एम करा ही रहे हैं और हम किन किन केसेस में करा सकते हैं तो कब कराएं तो सबसे पहले तो हमने ये बोला कि 12 वीक्स तक बेस्ट टाइम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेस्ट टाइम फॉर गेटिंग एन डन बट मान लीजिए कई बार होता है कि लेट पता चलता है या किसी कारण के वजह से किसी रीजन की वजह से आपका जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो डिले हो जाता है तो ऐसे केसेस में इंडिया में हमारे पास 20 वीक्स तक का परमिशन दिया गया है एम का यूके में 24 वीक्स का सिंगापुर में 24 नीदरलैंड्स में 24 एंड चाइना में इट इज ऑल्सो परमिटेड टिल ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी आ रही है बात समझ में तो अलग अलग कंट्रीज में एम को लेकर अलग अलग क्या है नॉर्म्स हैं फिर यहाँ हम बात करते हैं कि हमारी जो सेफेस्ट एम है वो कब हो सकती है ट्वेल्व वीक्स में हो सकती है प्रेगनेंसी के दैट इज इजिल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का प्रोसीजर करते हैं सो so जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं ज्यादा होते हैं क्यों ज्यादा होते हैं क्योंकि बाई दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका बेबी का जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स है वो डेवलप हो जाते हैं ये बात हमने पढ़ी थी हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ी थी जब हमने प्रेगनेंसी के माइलस्टोन्स पड़े थे गैस ऑनो राइट फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी जो एमटीपी है उसके ड्रॉबैक्स क्या है तो सबसे पहले मिसयूज किया जा सकता है किसके लिए सेक्स डिटरमिनेशन के लिए अनबॉर्न के लिए राइट right. फिर उसके बाद में जो एमटीपी है उसको इलीगली परफॉर्म कराया जाता है बाय अनक्वालिफाइड हैक्स नीम हकीम के पास जाकर क्या कराया जाता है मेडिकली टर्मिनेट करवा दिया जाता है प्रेगनेंसी को जिसकी वजह से जो फीमेल है उसकी हेल्थ को और उसकी लाइफ को बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है अनसेफ होता है एंड इट कैन आल्सो बी फेटल इट कैन आल्सो बी लाइफ टेकिंग आल्सो इट हैज़ रेज मेनी इमोशनल एथिकल रिलीजियस एंड सोशल इशूज अमंग पीपल इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज तो ये सारे क्या हैं ड्रॉबैक्स हैं अब एम को जब हमने इंडिया में लीगलाइज कर ही दिया है एंड वी हैव गिवन द फीमेल टू चूज द राइट टू वेदर कैरी द बेबी और अबाउट द बेबी तो हमारे को कुछ प्रैक्टिस फॉलो करने चाहिए प्रैक्टिस क्या फॉलो कर सकते हैं कि जो इल्लीगल एम टी पी है दैट शुड बी अवॉइडेड आपको अगर टर्मिनेट करवाना भी है प्रेगनेंसी को तो प्लीज डोंट गेट इट डन फ्रॉम एन अनकालिफाइड क्वार राइट अगर आपको क्या है अगर हम हमारे जो मैरिजेबल कपल हैं या मैरिजेबल एज में हैं जो लोग रिप्रोड्यूसेबल एज में हैं अगर हम उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि इलीगल एमटीपी कराने से क्या रिस्क हो सकता है फीमेल की लाइफ पे रिस्क हो सकता है डेंजर हो सकता है इट कैन आल्सो बी फेटल तो लोगों को समझ आएगी कि एम हमेशा कैसे करानी चाहिए लीगली करानी चाहिए साथ ही में हमारे को एक इफेक्टिव काउंसलिंग भी करनी चाहिए ताकि जो रिप्रोड्यूसिबल एज में है पीपल वो क्या ना करें अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स को अवॉइड करें अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो हमारे कंट्री में ऐसे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ होने चाहिए जहाँ पर एक एफिशिएंट मैनर में प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट कराया जा सके एंड दिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स सो व्हेन इट इज परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स सो द लाइफ ऑफ दुमेन इज केप्ट एट अ प्रायोरिटी तब लाइफ जो वेमेन की है उसको प्रायोरिटी पे रखा जा सकता है एंड द वमेन कैन बी केप्ट सेफ So, the entire lesson of this class was that what is MTP? It is the voluntary or intentional termination of pregnancy before the full term of the baby. World May, one fifth of the total pregnancies are medically terminated. काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसके अगेंस्ट बहुत सारे इमोशनल एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ रेज करे जाते हैं एंड आज भी जो हमारी मेडिकली टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो डिबेटेड है काफ़ी सारी कंट्रीज में लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में विमेन को उसका अबॉशन राइट देकर इम्पावर किया जाता है एंड इट इज दुमन्स चॉइस वेदर टू कीप द बेबी और अबाउट द बेबी अगर हमारा जो प्रेगनेंसी है वो अनप्रोटेक्टेड कॉइटस या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर रेप या फिर एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो मदर या फीटस या दोनों की हेल्थ के लिए हार्मफुल है तब हम उसको क्या करा सकते हैं टर्मिनेट करवा सकते हैं द बेस्ट टाइम टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी इज द फर्स्ट ट्वेल्व वीक्स और कैन से इट इज द ट्राइमेस्टर जितना हम उससे ज़्यादा डिले करेंगे ट्वेंटी वीक्स ट्वेंटी फोर वीक्स द फीटर्स गेट्स मोर इंटीमेटली अटैच टू द फीमेल एंड ऐसी लेट प्रेगनेंसी को अगर हम अबॉप्ट करते हैं तो मदर की हेल्थ पे बहुत बड़ा रिस्क आता है इसीलिए इन सारे रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो भी प्रोसीजर है एक मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर के जरिए ही कराया जाना चाहिए तो ये सारी हमारी क्या थी आज की एम की बातें थी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय